खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं और बात हरियाणा के फतेहाबाद की करते हैं, जहां प्रदूषण से हाल इतना बुरा है कि फतेहाबाद ने हिसार को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त फतेहाबाद में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 862 तक पहुंच चुका है। फतेहाबाद धुआं धुआं है, फतेहाबाद ने हिसार को भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी भी कहा जाता है और इस गुलाबी नगरी का, हरियाणा की गुलाबी नगरी का बुरा हाल है। हर तरफ धुंध और धूल की चादर, ये सफेद चादर से पूरा फतेहाबाद ढका हुआ। और ये देखिए हिसार में जो लेवल है प्रदूषण का वो 833 तक पहुंच चुका है, फतेहाबाद में 862। ये हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं। जींद में 497 तक पहुंच चुका है, पानीपत में 497, रोहतक की तस्वीर जो है वो 195 तक है। यहां पर हाल बाकी जिलों के मुकाबले बेहतर है। अंबाला में 277, पंचकूला में 100, करनाल में 384, कुरुक्षेत्रा में 321 तक प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया है। हिसार में देखिए 833 तक पहुंच गया है, जींद में 497, फतेहाबाद में 862, पानीपत 497, रोहतक 195, गुरुग्राम 189, फरीदाबाद में 265, भिवानी 281, अंबाला में 277। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों की ये आंकड़े आप देख रहे हैं नीचे पट्टी में, और ये हिसार की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाईवे की तस्वीर। देखिए विजिबिलिटी काफी कम है और अंदाजा लगाइए जो लोग सड़कों पर कहीं जाने के लिए उतरे हैं, जाहिर तौर पर दिक्कत उनको होगी। और ध्यान से गाड़ी आप भी चलाएं अगर आप सड़क पर जाने वाले हैं कहीं जाने के लिए। तो ये तस्वीर हरियाणा की देखिए, ऐसे लग रहा है कि धुंध, बहुत सर्दी आ गई है और धुंध ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ऐसा नहीं है, धुंध नहीं है, ठंड नहीं हुई है। जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, फतेहाबाद ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, हिसार को भी पीछे छोड़ दिया है, ये पराली हरियाणा पर ही भारी पड़ती हुई दिख रही है। जी हाँ, देखिए ज्योति, जो राजस्थान के साथ हरियाणा की बेल्ट लगती है वहां पर धान की फसल बहुत अच्छी होती है और फतेहाबाद में तो कमाल की फसल होती है। इसी के चलते वहां पर पराली जलाने का काम भी ज्यादा होता है। अगर पिछले कल आप देखें तो वहां पर कुछ खेतीबाड़ी महकमे के अधिकारी गए थे लोगों को रोकने के लिए, तो लोगों ने उनका घेराव कर लिया और उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ कि हम इस पराली को कैसे नष्ट करें, आप तरीका तो बताते नहीं हो, हमें ज्ञान देने के लिए आ जाते हो। तो उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर ने रात एक हाई डेलीगेशन के साथ मीटिंग करके आला अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने कहा है कि किसानों को पराली ना जलाने के लिए एजुकेट किया जाए। लेकिन मुझे जो लगता है, किसान हमें लगातार ये कहते हैं कि ये तरीके तो निकालते नहीं है, हमने अगली फसल लगानी है, कोई सार्थक तरीका हमें बताएंगे नहीं, कोई हेल्प हमें करेगा नहीं खेती बाड़ी महकमा, तो हम बताइए कि इस पराली का क्या करें, तब तक अगली फसल लगाने का सीजन आ जाता है। और कई ज्ञापन हम इस मामले में जो है वो अलग अलग जिलों के DCs को और मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो किसान अपना रोना रोते हैं, लेकिन पर्यावरण का जो हाल है उसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस भी ये कह रही है लोगों को कि आप वाहन चलाकर दुपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और जो बड़े वाहन है वो रफ्तार कम रख के चलाएं, क्योंकि जिस तरह से धुंध मिली हुई ये हवा है उसमें हादसों का खतरा बढ़ जाता है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगह दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन और जिस तरह से धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। इन तमाम मुश्किलों से सामना करते हुए कोई सार्थक हल सरकारें नहीं ढूंढ पा रही है। किसान अपनी जगह रोना ठीक रो रहा है, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज अपनी जगह रोना ठीक रो रही है, लेकिन सिर्फ बैठकों तक सिलसिला सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है।